Hi, I'm Ms. Sinha, and today is the fourth lecture on photogeology and remote sensing. And today we will discuss human eye, depth perception, and stereoscopic viewing. And thereafter we will discuss scale of the aerial photo. So first of all, we will discuss the human eye in short. So human eye is essentially a spherical organ having a central opening, and this is called pupil. Pupil is the central opening, and ye jo opening hai, it is covered by a transparent coating. It is called cornea. So the opening is known as pupil, and the covering, transparent covering on the pupil, it is known as cornea. And this is the lens, which is biconvex lens, and the focal length of this lens varies, or rather changes with the distance of viewing distance of the object. And this lens is supported by muscles, and just like camera, there is an iris. Iris is nothing but the diaphragm. So depending upon the light condition, this iris either opens or it is closed. So this is iris, and one more important one is retina. So retina is virtually ek parda hai, aur isi par image banta hai. Aur ye jo retina hai, it consists of millions of cones and rods. Ye cells hai. So rods and cones, they are cells jo ki retina usko banata hai. Retina ko ye banata hai, cones and rods, और ये this is sensitive to light. जब इस cone और rod के ऊपर light पड़ता है तो some photochemical changes takes place, and this photochemical changes, it stimulates the nerve, and signal is, this is optic nerve. So after image is formed on the retina, and rods and cones are activated, the signals are sent to the brain. So this is roughly a diagram cross section of human eye. अब हम जो depth perception है, किसी भी object का जो depth है या जो गहराई है, इसको हम कैसे perceive करते हैं, कैसे feel करते हैं, इसको इससे समझाया जा सकता है. और हमारे पास जो दो आँख है, प्रकृति ने जो हमारी दो आँखें दी हैं, ये एक एडवांटेजियस है किसी भी डेप्थ को परसीव करने के लिए. और यहाँ पर देखें आप, दिस इज अ सपोज दिस इज अ स्मॉल हाई स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट, और ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है. तो जब इसको हम व्यू करते हैं, मैनी वी व्यू दिस हाई स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट, तो एक यहाँ पर हमारा जो आई एक्सिस है, ये जो है ये एक्सिस है आई का, दिस इज आई एक्सिस, एक्सिस ऑफ द आई, दिस इज एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस रहता, दिस इज ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द आई. तभी जो हमारा जो दो ऑप्टिक एक्सिस है आई का, ये कन्वर्ज करता है, और दिस एंगल इज नोन एज पैरालिप्टिक एंगल. पैरालिप्टिक एंगल, तो एक पैरालिप्टिक एंगल यहां बन रहा है, और दूसरा जो पैरालिप्टिक एंगल है, अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर दें इसके बॉटम से, देन अगेन एक पैरालिप्टिक एंगल बन रहा है. और जो डेप्थ का परसेप्शन है, ये है ड्यू टू डिफरेंस इन दीज टू पैरालिप्टिक एंगल. सो इफ थीटा वन एंड थीटा डबल डैश, थीटा डैश एंड थीटा डबल डैश, ये अगर दो पैरालिप्टिक एंगल्स है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज थीटा, ये डिफाइन करता है कि कितना हम डेप्थ को परसीव कर सकते हैं. और अगर ये डिफरेंस, अगर इफ दिस डिफरेंस इज लेस देन 20 सेकेंड्स ऑफ एन आर्क, तो डेप्थ परसेप्शन जो है थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो 20 सेकेंड से ज्यादा अगर है ये डिफरेंस, थीटा इज 20 और मोर, तो डेप्थ को हम लोग परसीव कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू परसीव. सेकेंडली,
जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जिससे हम किसी डेप्थ को परसीव कर सकते हैं, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, बहुत अच्छी तरह से वो डिफाइंड नहीं है, और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन एवरेज अगर हम लोग ले लें, फॉर एन एवरेज एडल्ट जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट मे बी सेफली टेकन एज 2000 फीट, तो 2000 फीट से बियॉन्ड अगर जाएं, तो ये जो डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलेक्टिक एंगल हाइट इज सो स्मॉल देन दैट वी कैन नॉट परसीव द डेप्थ। सो दिस इज ह्यूमन आई एंड डेप्थ परसेप्शन। नाउ इन फोटोजियोलॉजी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस है, बहुत सिंपल सा ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे हम लोग डेप्थ को परसीव करते हैं, डेप्थ को हम फील करते हैं। और इसके लिए दो जो पेयर ऑफ फोटोग्राफ्स है, विच इज कॉल्ड स्टीरियो पेयर और फोटो पेयर, उसको हम लोग देखते हैं। स्टीरियोस्कोपिक व्यूइंग विथ स्टीरियोस्कोप, तो पहले दो तरह के स्टीरियोस्कोप होते हैं, वन इज कॉल्ड पॉकेट स्टीरियोस्कोप एंड सेकेंड इज कॉल्ड मिरर स्टीरियोस्कोप। तो पॉकेट स्टीरियोस्कोप इज ऑल्सो नोन एज लेंस स्टीरियोस्कोप। तो ये बहुत सिंपल सा डिवाइस है, लेंस स्टीरियोस्कोप और पॉकेट स्टीरियोस्कोप इज अ वेरी सिंपल डिवाइस, वेरी चीप इन कॉस्ट ऑल्सो, कॉस्ट वाइज ये बहुत सस्ता होता है। और ये देखिए इसमें दो लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स ऊपर का जो साइड है वो प्लेन होगा और नीचे वाला जो है वो कन्वेक्स होगा। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है विच इज माउंटेड इन ए मेटालिक फ्रेम, और ये एडजस्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आवर आई बेस। तो जो दो आई है हमारा, उसके जो ऑफ एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं आई बेस। आई बेस तो एवरेज एडल्ट का जो आई बेस है ये अप्रोक्सीमेटली 2.6 इंचेस, करीब करीब ये 2.6 इंचेस होता है। मिलीमीटर में अगर हम लोग इसको कहें तो ये 63 से लेकर के 69 मिलीमीटर करीब करीब आता है, 63 मिलीमीटर टू 69 मिलीमीटर। तो आई बेस है, तो ये इसका जो एडजस्टमेंट है, ये दोनों प्लेनो कन्वेक्स जो लेंस है इट कैन बी एडजस्टेड डिपेंड विच सूट द इंडिविजुअल आई बेस पर। और दूसरी चीज ये है कि ये कोलेप्सिबल लेग्स है, इसको हम लोग मोड़ सकते हैं एंड इजली इट कैन बी पैक्ड। और मोस्टली ज़्यादातर जो पॉकेट स्टीरियोस्कोप होते हैं उसका जो फोकल लेंथ है वो 100 मिलीमीटर करीब होता है। और दिस पॉकेट स्टीरियोस्कोप, बहुत सारे एडवांटेजेज हैं इसके, देर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेज ऑल्सो। एडवांटेजेज ये है कि बहुत लाइट वेट है, इसको कैरी किया जा सकता है इन द फील्ड। सेकेंडली फील्ड ऑफ व्यू भी ज़्यादा है इसका, लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस बिटवीन फोटोग्राफ एंड द स्टीरियोस्कोप ये कम होता है। सेकेंडली जो आई बेस डिस्टेंस है दैट इज दिस वन 2.6 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली, तो दो जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है इन द स्टीरियो पेयर 2.6 से अगर ज़्यादा होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू व्यू थ्री डायमेंशनली थ्रू दिस डायग्राम, थ्रू दिस स्टीरियोस्कोप। तो ये है, और एडवांटेजेस तो है ही है इसका, चीप है, कंफर्टेबल है फील्ड के लिए, फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है। इसके बाद दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड लेंस स्टीरियोस्कोप, सॉरी मिरर स्टीरियोस्कोप। तो मिरर स्टीरियोस्कोप में देर आर टू प्लेन मिरर विच आर फिक्स्ड एट 45 डिग्री एंगल, और यहाँ से जैसे ये फोटो वन है, दिस इज फोटो टू, तो यहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होगा। अगेन यहाँ पर दो प्रिज्म लगे हुए होते हैं, समटाइम्स मिरर भी हो सकता है अगेन 45 पे, लेकिन ज़्यादातर पे प्रिज्म होता है और प्रिज्म के थ्रू फिर ये लाइट यहाँ जाता है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मिरर स्टीरियोस्कोप। तो मिरर स्टीरियोस्कोप में फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब बड़े फोटोग्राफ्स भी इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर
जो कॉमन साइज जो बड़े फोटोग्राफ हैं 23 cm एंड 23 cm का, उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है देखना इसमें, फिर बेंडिंग इज इनविटेबल। लेकिन इसमें हम लोग वो 23 x 23 cm के जो इमेजेस हैं या फोटो हैं, दैट कैन बी वेरी इजिली ऑब्जर्व एंड थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ द एरिया कैन बी सीन। सो दिस इज स्टीरियोस्कोपिक व्यूइंग। अब हम लोग आए कि क्या क्या कंडीशंस है, व्हाट आर द कंडीशंस टू प्रोड्यूस थ्री डायमेंशनल स्पेशियल मॉडल विद द स्टीरियोस्कोप या स्टीरियोपेयर्स। तो स्टीरियोपेयर या फोटोपेयर को जब हम लोग स्टीरियोस्कोप में देखें, आइदर इन द लेंस स्टीरियोस्कोप और इन मिरर स्टीरियोस्कोप, तो दीज कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। ये अगर कंडीशंस फुलफिल्ड होगा देन बेटर रिजल्ट वी कैन एक्सपेक्ट। तो सबसे पहला इसमें यह है कि जो वर्टिकल फोटो है ये ज़्यादा सुटेबल होता है। तो इफ वी ऑब्जर्व द वर्टिकल फोटो आइदर इन अंडर पॉकेट स्टीरियोस्कोप और मिरर स्टीरियोस्कोप, जो थ्री डायमेंशनल व्यूइंग है पूरे एरिया का वो बेटर होगा। तो दोनों ही फोटोग्राफ, फोटो वन एंड फोटो टू जो पेयर है, ये दोनों ही वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल फोटो होना चाहिए। वर्टिकल फोटो मीन्स द एक्सिस ऑफ द कैमरा मस्ट बी ऑलमोस्ट वर्टिकल। तो ये है। दूसरा है कि ये जो दोनों फोटोग्राफ्स हैं उसमें एंड लैप और साइड लैप भी होना चाहिए, 60% सुटेबल है। एंड लैप 60% होना चाहिए और साइड लैप 30% होना चाहिए। एंड लैप एंड साइड लैप ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड वंस अगेन। सो दिस इज, इफ दिस इज वन फोटो एंड दिस इज अनदर फोटो, सो दिस एरिया ऑलमोस्ट दिस एरिया दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन इन बोथ द फोटोज। सो दिस इज कॉल्ड एंड लैप एंड साइड लैप इज दिस वन, दिस इज साइड लैप, दिस इज साइड लैप। तो दिस शुड बी 30% एंड दिस शुड बी 60%। तो ये आइडियली जो 60% एंड लैप और 30% साइड लैप का जो एरियल फोटो है, दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग थ्री डायमेंशनल मॉडल। तीसरा जो कंडीशन है वो है कैमरा एक्सिस जो है दोनों एक प्लेन में होना चाहिए, बिल्कुल एक प्लेन में होना चाहिए लाइक दिस। तो ये तीसरा कंडीशन है कि द कैमरा एक्सिस मस्ट बी इन द सेम प्लेन। फोर्थ इज बेस हाइट रेशियो, बेस हाइट रेशियो इट मस्ट बी बिटवीन 0.25 and 2। तो b by h means this is the height and this is the base, so this is big B and this is h, यानी फोटोग्राफी यहां से हो रही है एंड दिस इज द टोटल कवरेज, टोटल कवरेज दैट इज b एंड दिस इज h। तो b by h बेस हाइट रेशियो इट मस्ट बी 0.25 से लेकर के 2 तक होना चाहिए, तो ये सुटेबल है। देन द स्केल ऑफ द टू फोटोज मस्ट बी ऑफ द सेम, दोनों जो फोटो हैं पेयर पे उनका जो स्केल है ये एक होगा, देन वी विल एक्सपेक्ट अ बेटर रिजल्ट। देन द ब्राइटनेस ऑफ द टू फोटोज मस्ट बी ऑलमोस्ट इक्वल, ब्राइटनेस भी सेम होना चाहिए। इसके बाद लास्टली लेफ्ट फोटोग्राफ ऑफ द पेयर मस्ट बी व्यूड विथ लेफ्ट आई एंड राइट फोटो विथ द राइट आई। तो तरीका यही है कि लेफ्ट जो फोटोग्राफ है उसको हम लोग लेफ्ट आई से देखते हैं और जो राइट फोटो है उसको हम लोग राइट आई से देखते हैं। और जो कॉमन पॉइंट है, जब ये कंडीशन होगा तो दो कॉमन पॉइंट ऑन लेफ्ट एंड राइट फोटो, ये जब हम लोग व्यू करेंगे तो क्या होगा कि फिजियोग्राफिकली दीज टू पॉइंट्स अपीयर्स टू फ्यूज, और जब ये फ्यूजन का जब स्टेट होगा देन अ थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटायर एरिया will appear. So this is the conditions for producing three-dimensional model of the area.
Now we will discuss a scale of the photon. तो स्केल है क्या, व्हाट इज स्केल? तो फोटो का स्केल या मैप का स्केल एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स ऑन द फोटो एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, सपोज दिस इज ए एंड बी ऑन द फोटो और ऑन द मैप, तो ये जो डिस्टेंस उसका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ग्राउंड में क्या है, ग्राउंड में. So this is A dash and this is B dash. तो ये relationship show करता है कि कोई भी दो point का distance on the map or on the photo and corresponding distance on the ground. ये जो relationship है, that is the scale of the photo. अब कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, how can we determine the scale of the photo? तो scale of the photo निकालने के लिए दो तीन तरीके हैं. सबसे पहला है कि अगर फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, ये अगर हमको पता हो. फर्स्ट वन इज इफ एफ यानी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एंड फ्लाइंग हाइट. तो अगर फोकल लेंथ जो कैमरा यूज किया जा रहा है उसका जो फोकल लेंथ है वो पता हो और फ्लाइंग हाइट पता हो, देन द रिलेशनशिप इज स्केल इज इक्वल टू स्केल, यू कैन राइट एस, स्केल इज इक्वल टू एफ बाई एच, फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय फ्लाइंग हाइट. फॉर एग्जांपल इफ द एफ इज इक्वल टू, सो फॉर एग्जांपल 12 इंचेस एंड फ्लाइंग हाइट इट इज 25,000 फीट. फोटोग्राफी हो रही है कितने हाइट से, 25,000 फीट के हाइट से हो रही है और जो फोकल लेंथ है कैमरा जो यूज हो रहा है उसका जो फोकल लेंथ है 12 इंचेस. तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप ये कितना आएगा, 12 इंचेस डिवाइडेड बाय 25,000 फीट, दैट मींस 1 फीट डिवाइडेड बाय 1 फीट डिवाइडेड बाय 25,000 फीट मींस स्केल इज 1:25,000. सो इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर चेंज होता है डेफिनेटली जो स्केल है वो चेंज होगा. अगर मान लीजिए फोकल लेंथ एफ जो है सो चेंज कर दिया जाए, अगर इसको हम लोग 12 इंच से बढ़ा करके अगर हम लोग चेंज कर दें नेचुरली ये 1:50,000 आ जाएगा. इन दैट वे वी कैन डिटरमिन द स्केल ऑफ द एरियल फोटो. दूसरा तरीका हो सकता है सेकेंड वन मे बी if the photo distance and photo distance को आप p से denote करें and ground distance इसको आप g से denote करें, ये अगर नॉन हो तो हम एरियल फोटो के ऊपर दो पॉइंट का जो डिस्टेंस उसको ले लें और करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो है ग्राउंड का वो ले लें, तो स्केल इज इक्वल टू पी बाई जी. तो जैसे मान लीजिए कि पी जो है फॉर एग्जांपल पी इज इक्वल टू 2 इंचेस या 2 सेंटीमीटर और जी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, then we can calculate P is equal to 2 cm, G is equal to 1 kilometer. Now we can
2 cm 1 km/cm में बदल दिया जाए। पहले तो 1000 m 1 km इज इक्वल टू 1000 m मल्टीप्लाइड बाई 100 cm में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज 2 upon 1 lakh। इसका देन RF दैट इज स्केल इट विल बी 1:50,000 सो 2 by 1 lakh। इसका मतलब हुआ कि इसका जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है इट विल बी 1:50,000। तो ये तरीका दूसरा हो सकता है। एंड द थर्ड मेथड में भी कि फोटो डिस्टेंस पता हो और उसी एरिया का जो टोपोसीट है यानी मैप जो है वो हमारे पास हो। तो फोटो डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस, ऑफ कोर्स मैप अगर है हमारे पास तो उसका जो RF है वो मालूम होगा, क्योंकि ऑल द टोपोसीट्स उसमें जो है स्केल लिखा हुआ होता है, नोन होता है, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो थर्ड में भी बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन फोटो डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस, मैप यानी टोपोसीट। तो हमारे पास एक एरियल फोटो है और उसी एरिया का हमारे पास टोपोसीट है यानी मैप है, नॉन स्केल है उसका। तो इनके बीच में एक रिलेशन हो सकता है, दैट इज S इज इक्वल टू स्केल इज इक्वल टू फोटो डिस्टेंस पी बाई एम, एम इज द मैप डिस्टेंस, पी इज द फोटो डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई RF ऑफ द मैप, RF ऑफ द मैप। अब बहुत सिंपल सा है, सपोज पी इज इक्वल टू 2 cm और M इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 4 cm। फोटो डिस्टेंस दो पॉइंट का वो है 2 cm और करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो मैप में है वो है 4 cm। इसको वर्कआउट किया जा सकता है, व्हाट विल बी द स्केल। सो P इज इक्वल टू 2 cm डिवाइडेड बाई 4 cm मल्टीप्लाइड बाई RF ऑफ द मैप। RF है से फॉर एग्जाम्पल RF उस मैप का है 1:50,000 का स्केल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/50,000। अब इसको हम लोग देखें, सिंप्लीफाई करें, 2 divided by 2 lakhs। इसको हम लोग सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 1:1 lakh। तो मैप फोटो डिस्टेंस अगर हमारा 2 cm है, मैप डिस्टेंस अगर 4 cm है और जो मैप का स्केल है 1:50,000 है, तो वी कैन राइट लाइक दिस 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/50,000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/2 lakhs और अल्टीमेटली दिस विल बी द RF। तो दिस इज द RF ऑफ द मैप। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू डेज लेक्चर। Thank you very much.